पंजाब के कस्बा धूरी के साथ लगते गांव जहांगीर से गुजरने वाली नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ है। इस शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस संबंध में जानकारी मिलते ही डीएसपी नाहर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके में महिला के शिनाख्त के लिए पूछताछ भी की। जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने कुछ दिन पहले पुलिस को अपनी बहन अमरजीत कौर के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने शिकायत में दर्ज करवाया था कि उसे शक है कि उसकी बहन के लापता होने के पीछे उसके जीजा जागीर सिंह का हाथ है। इस मामले की जांच करते हुए जब पुलिस ने जागीर सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसी ने अपनी बीवी अमरजीत कौर को नहर में डुबोकर मारा है और इस हत्याकांड में उसका बेटा भी शामिल था। आरोपी के बयान पर पुलिस ने दोनों दोषियों पर बनता मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। धूरी से हलचल के लिए रविंदर ज्वाली की रिपोर्ट। गैर फर्जी थी, ठीक है ना, करज बढ़ती नहीं थी, रात बाहर दहेजी फर्जी रहती थी, ये कूट दे देता ठाणे करती थी। तूने की किता? असी ने जी पिंडो लै के नहर च डुबो के मार दी। यह मिति 11/4/16 पिंड जहांगीर की नहर के विचों एक औरत की लाश मिली सी, जिस संबंधी ASI तरसेम सिंह ने SHO सदर धूरी की हदायत से, मैं भी मौके पर गया सी, असी ने देख के उत्थे ये औरत की पछाण नहीं सी हुई, इहदी 174 की कार्रवाई करती सी। इस मगरों जाके इहदा पता लगा कि यह औरत रायकोट के नेड़े सहजाद पिंड की रहने वाली है।